एआईसीसी के महासचिव, प्रदेश के प्रभारी सम्मान्य अविनाश पांडे साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक गहलोत साहब, हमारे एआईसीसी के सचिव विवेक बंसल जी, कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जी, हेमराम चौधरी साहब, बीडी कल्ला जी, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रघु शर्मा साहब, मंत्री और पूर्व सांसद हरीश चौधरी जी, अमीन खान साहब, मेवराम जैन साहब, सालिम मोहम्मद जी, पद्मराम मेघवाल साहब, मदन प्रजापत जी, रूपाराम मेघवाल जी, प्रियंका जी, अंजना मेघवाल जी, गोपाराम मेघवाल साहब, फतेह खान जी, गोविंद भार्गव साहब, हीरालाल बिश्नोई जी, सुनीता भाटी जी, उमेद सिंह तंवर, श्यामा बानो जी, कपूर खान साहब, खत्री जी, अब्दुल्ला फकीर साहब, मंच पे पार्टी के सभी नेता आज इस चुनावी सभा में जो मौजूद है, नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं बहनों, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतनी भीषण गर्मी में, इतनी बड़ी तादाद में आप आज यहाँ एकत्रित हुए हो। मानवेंद्र सिंह जी के नामांकन की ये सभा है, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, बाड़मेर जैसलमेर के सभी साथियों को। दोस्तों, समय बहुत हो गया, आज से ये चुनावी अभियान और गति पकड़ेगा। राजस्थान समेत पूरे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। ये लोकसभा के चुनाव बाकी चुनावों से भिन्न हैं, क्योंकि यहां पर हमको आपको आकलन करना पड़ेगा कि जिन मुद्दों पर लोग चुनकर जाते हैं, जिन मुद्दों को लेकर चुनावी वायदे किए जाते हैं, उनमें से कितने पे आप खरे उतरे हो। 5 साल की सरकार दिल्ली में रही, इन 5 सालों में उन तमाम बातों से मुकर गए, वादे पूरे करने की कोशिश भी नहीं करी, और यही कारण था कि अभी जो 2 महीने पहले 3 महीने पहले चुनाव हुए राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तीनों राज्यों में बीजेपी हारी और कांग्रेस की सरकार बनी है। इस पूरे क्षेत्र ने, मैं तो बाड़मेर जिले के लोगों का, जैसलमेर जिले के लोगों का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं। आज से नहीं, जब से हमारे यहाँ पंचायती राज के चुनाव हुए थे कुछ वर्ष पहले, आप लोगों ने एक तरफा वहां पर प्रधान प्रमुख कांग्रेस पार्टी के बनाए थे। मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूंगा, आभारी रहूंगा, और ये आपका आशीर्वाद था कि आज हम लोग सत्ता में बैठे आपकी सेवा करने के लिए। दोस्तों, साथियों, मित्रों, ये चुनाव देश के लिए महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए तो है ही, लेकिन राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं चुनाव लड़ रहे कि हमारे सांसद दिल्ली पहुंच जाएंगे, हम सत्ता में आ जाएंगे। हमारे गणतंत्र में, हमारे लोकतंत्र में जो संस्थाओं को एक एक करके चुनकर नष्ट करने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है, हमारा विरोध व्यक्ति से नहीं है, हमारा विरोध वैचारिक हो सकता है, लेकिन 5 साल जिन लोगों ने राज किया दिल्ली में, उन्होंने चुन चुन के एक एक संस्था को खत्म करने का काम किया। ने पहली बार सुना कि रात के 1 बजे सीबीआई के निदेशक को बर्खास्त कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उनको वहां स्थापित किया। सीबीआई सीबीआई पे छापा मारती है, ईडी ईडी क्या छापा मारता है, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अफसरशाही पे, प्रशासन पे, पुलिस पे, सब पर दबाव बनाने का काम इस केंद्र की सरकार ने किया है। आज राजस्थान की जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देना है। हमारी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो बनाया है, राहुल गांधी जी ने जनता से वादा किया है, वो रोजी रोटी के मुद्दे हैं। आम व्यक्ति को रोजमर्रा जीवन में क्या चीजें प्रभावित करती है, सुरक्षा, नौकरी, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बिजली, इन मुद्दों पर चर्चा करो। इस क्षेत्र में सूखा पड़ता है, चारे के डिपो खोले हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, समय कैसा भी हो, हमारी पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, इस क्षेत्र की हर वाजिब मांग को पूरा करने का काम किया है। चाहे रिफाइनरी हो, चाहे नरेगा के काम हो, चाहे अकाल रात के काम हो, चाहे चारा के डिपे हो, ये दूर दराज का क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है, आप लोग फौलाद की तरह हमारे खड़े हो। सिर्फ सैनिक नहीं, बाड़मेर जैसलमेर का एक एक नागरिक हमारे हिंदुस्तान का रक्षक है। हमें फख्र है आप सब लोगों के ऊपर कि पूरा देश चैन से सोता है कि हमारे सब लोग यहां सरहद पर खड़े हैं। रेगिस्तान की गर्मी को झेलने के बावजूद आपने भारत को एकजुट रखा, मजबूत रखा, हमारी सेना सरहद पर खड़ी है। वर्दी पहनकर जो सैनिक रेगिस्तान में खड़ा है, जो बर्फों में खड़ा है, जंगल में खड़ा है,
वो सैनिक किसी पार्टी का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी क्षेत्र का नहीं है, वो इस देश की मान सम्मान का प्रतीक है। और हम फौजियों को और फौज को उस दृष्टि से देखते हैं, सरकार किसी की हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, हमारे देश की तरफ जो नजर टेढ़ी कर कर देखेगा उसको वही मुंह तोड़ जवाब मिलेगा जो मिलना चाहिए। इस बात में राजनीति नहीं हो सकती, राजनीति इस बात पर होगी कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर आप समाज को बांट दो, आप खाद की, बिजली की, बीज की, पानी की, इन बातों को परे कर कर इस बात पर चर्चा करो कि हनुमान जी की जाति क्या थी, हिंदू मुसलमान की बात करो, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करो। लेकिन आपने वादा किया था रोजगार देंगे, पिछले 45 साल में इस देश में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जितनी आज है, कौन जिम्मेदार है? आज कश्मीर में जो हालात बने हैं कौन जिम्मेदार है? आप दिल्ली में बैठकर हमारे वीर सैनिकों की वीरता और शौर्य के पीछे उसकी आड़ लेके अपनी नाकामी को छुपाने का काम करोगे तो जनता आपको जवाब देगी। हमने वादा किया कांग्रेस पार्टी ने, इस देश में सबसे गरीब जो 20% परिवार हैं, प्रत्येक परिवार को सालाना 72,000 रुपए हमारी सरकार बनने के बाद देंगे। मुझे लोगों ने पूछा, मैं कल उत्तराखंड और तेलंगाना के दौरे पर था, सब तरफ बदलाव की हवा चल रही है, दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, ये भावनाएं लोगों की है वहां पर। मुझे लोगों ने कहा साहब बीजेपी ने वादा किया था 15 लाख रुपए देने का, आप भी बोल दो 20-25-30 लाख रुपए। हमने कहा भाई हम झूठ नहीं बोलते, जो होगा हम उसी का वादा करेंगे। सोनिया गांधी जी ने कहा कि रोजगार का कानून बनेगा तो नरेगा का कानून बना, सूचना का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, स्वास्थ्य का अधिकार हम लोग देने जा रहे हैं। 72,000 रुपए 20% सबसे गरीब परिवार के खातों में जमा होगा और हमारी कोशिश है कि उस परिवार में जो महिला है उसके खाते में पैसा जाए, ये संकल्प राहुल गांधी जी ने लिया है। हमारी सरकार बनने के बाद 18,000 करोड़ रुपए के ऋण माफी की घोषणा, ये कोई छोटी बात नहीं है। वसुंधरा जी 5 साल यहां राज कर गई, जब सत्ता जा रही थी तो बोलती है मैं बिजली का बिल माफ कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी। अरे 4 साल 11 महीने 28 दिन आपने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद पहले कुछ हफ्तों में हमने जो निर्णय लिए हैं वो जनता की भलाई के लिए लिए हैं, संकल्प है, प्रतिबद्धता है और आप लोगों के लिए काम करने के लिए हम यहां बैठे। मैं मानवेंद्र सिंह जी हमारे उम्मीदवार बने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ कर, राहुल गांधी जी ने, पार्टी ने आपके भरोसे पर इनको उम्मीदवार बनाया है। और मैं तो कहता हूं राजस्थान में हम मिशन 25 लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा के मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि ऐतिहासिक वोट देकर यहां से मानवेंद्र सिंह जी को सांसद बनाइए, ये दिल्ली में बैठकर हमारी पैरवी आपकी पैरवी करेंगे। और हम सब लोग जो आज मंच पर उपस्थित हैं, ये भाजपा की रीति है, जातियों में, बिरादरी में लोगों को बांट दो, ये चुनाव देश का चुनाव है, अगड़े का, पिछड़े का, हिंदू का, मुसलमान का, दलित का, स्वर्ण का, इन सब बातों को भूलो। हम सब भारत के नागरिक हैं, हम सब मतदाता हैं, एक एक वोट के मालिक हैं। अगर आप सब ठान लोगे तो बाड़मेर से रिकॉर्ड वोटों से जीतकर यहां से कांग्रेस पार्टी जाएगी और मानवेंद्र सिंह यहां से सांसद बनेंगे। हम सब मिलकर आपके बीच में काम करेंगे। आप लोग बहुत दूर से आए और बहुत देर से बैठे हो, मैं आपकी धन्यवाद करता हूं, क्षमा चाहता हूं कि हमें देरी हो गई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमेशा फलो फूलो, मुस्कुराओ, आगे बढ़ो, आप परिवार सहित हमेशा खुश रहो और आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।